ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के क्वेश्चन के साथ में, जो आपका गेप 2020 में पूछा गया है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि सिमेट्रिक ग्रुप S6 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 कितने होंगे। ठीक है, ओके। सो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें किसी भी SN है उसमें किसी भी ऑर्डर का एलिमेंट किस टाइप से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि आप परम्यूटेशन है उसका ऑर्डर कैसे होता है। तो अगर आपका एक सिग्मा है, इसको मैं परम्यूटेशन ले रही हूँ, ये किसी SN में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपका ये सिग्मा एक ही साइकिल है, मतलब इसमें डिफरेंट डिस्जॉइंट साइकिल्स का प्रोडक्ट नहीं है, तब तो इस साइकिल की जो लेंथ हो जाएगी वही आपका इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ दिस साइकिल, ये आपका इस सिग्मा का ऑर्डर हो जाएगा। अगर आपकी जो सिग्मा है वो डिस्जॉइंट साइकिल्स का प्रोडक्ट है, मतलब सिग्मा 1, सिग्मा 2 अप टू सिग्मा k, यहाँ पे जो सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा k है ये सारे डिस्जॉइंट है, तो इस सिग्मा का ऑर्डर आपका कितना होता है? एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ सिग्मा 1, ऑर्डर ऑफ सिग्मा 2, ऑर्डर ऑफ सिग्मा k। तो इन सब साइकिल्स का जो ऑर्डर है, इनका एलसीएम निकालेंगे, वही आपका इस सिग्मा का ऑर्डर होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें पूछा गया है ऑर्डर 3, तो इसके लिए आपका या तो आपके पास में एक साइकिल मिलना चाहिए जो 3 लेंथ का हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट आपके पास में साइकिल्स मिलने चाहिए जिनके ऑर्डर्स का एलसीएम 3 हो रहा हो। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा k हैं, इनके जो लेंथ होगा, जैसे इसका समथिंग सिग्मा 1 का सपोज कुछ N1 है, सिग्मा 2 का कुछ N2 है, ऐसे ही सिग्मा k का NK है। तो इन सब जो लेंथ्स हैं इनका सम भी आपका इस NK इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये भी चीज हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हमें ऑर्डर 3 का एलिमेंट देखना है, तो अगर हम सिग्मा को डिस्जॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट में लिख पा रहे हैं, तो उन सभी के ऑर्डर का एलसीएम 3 होना चाहिए और उनकी लेंथ्स का जो सम है वो 6 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम S6 में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे पास ऐसे किस कितने पेयर्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 6 को यहाँ पे पार्टीशन करके देखा है, तो 6 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, पार्टीशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें वो पेयर्स देखने हैं जिसका एलसीएम 3 हो रहा हो। तो आपके पास में एक 3,3 और एक 3,1,1, ये वाला, इनके अलावा आपके पास में कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिलेगा जिनका एलसीएम आपका 3 हो रहा हो, और सम इनका लेंथ का, जैसे 3,3,6, 3,1,1, इसका भी 6 हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास दो ही पेयर बच गए। तो अब हमारे पास जो काम रह गया है वो क्या रह गया, कि अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस टाइप के अगर दो आपको परम्यूटेशंस दे रखी हैं, तो उतनी परम्यूटेशंस, उस टाइप की परम्यूटेशंस आपके पास में कितनी मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला रिकॉल करते हैं, वो क्या कहता है कि अगर आपके पास में एक परम्यूटेशन है सिग्मा, जिसको हम डिस्जॉइंट साइकिल्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा k, जहाँ पे आपका ये जो सिग्मा 1 जो है वो आपका नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ ऑर्डर i। ठीक है, अब इसके बाद में इस टाइप के, इस सिग्मा टाइप के, जिसको हम इस टाइप से लिख पा रहे हैं, इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इस टाइप के, उसका फॉर्मूला आपका एन फैक्टोरियल अपॉन में 1 to the power k1, 2 to the power k2, m to the power km। यहाँ पे k1 k2 km आपका क्या बता रहा है, 1 लेंथ के आपके साइकिल्स k1 है, 2 लेंथ की साइकिल्स k2 है, इस टाइप से m लेंथ की साइकिल्स आपके पास में km है। ठीक है, और फिर ये जो k1 k2 km, इनका फैक्टोरियल्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको बताता है कि इस सिग्मा टाइप के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इस SN में। ठीक है, ओके, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमें S6 दे रखा है और हमें किस टाइप के एलिमेंट्स चाहिए, 3,3 टाइप के या 3,1,1 टाइप के। तो 3,3 टाइप के किस टाइप के हो जाएंगे आपके, 3 लेंथ और 3 लेंथ की साइकिल्स का प्रोडक्ट, और 3,1,1 टाइप के 3 लेंथ की एक साइकिल, और फिर आपके पास में 1,1 लेंथ की साइकिल हो जाएंगी। ठीक है, तो इस फर्स्ट वाले के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एन फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। 1 लेंथ की साइकिल आपको यहाँ पे दे नहीं रखी है, 2 लेंथ की भी नहीं है, तो 3 लेंथ की कितनी है, 2, और आगे कोई लेंथ की नहीं है, तो 3 to the power 2 into
टू फैक्टोरियल, तो ये आपका कैलकुलेट होके आया है 40। सिमिलरली हम सिग्मा टू के लिए अगर देखेंगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 1 लेंथ के आपके पास में 3 साइकिल्स है, तो 1 to the power आपके पास में हो जाएगा 3, और 2 लेंथ की कोई है नहीं, फिर 3 लेंथ की आपके पास में 1 है, तो 3 to the power 1 इनटू 3 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल जो कि आपका 1 ही होता है। तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आपका 40 निकल के आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास में कितने हो गए, 40 ये हैं और 40 ये हैं, तो टोटल मिला के आपके पास में 80 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है।